गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और शायद अभी उठे नहीं होंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:30। और मैं घर से निकल गया था करीबन 3:30 बजे निकल गया था। तो आज जाना है मेरे को जागेश्वर धाम अल्मोड़ा शिव टेम्पल, और अभी 5 बजे रानीखेत एक्सप्रेस आने वाली है, उसमें 5-6 गेस्ट आने वाले हैं तो उनको टेम्पल ले जाना है और आज नाइट स्टे वहीं है। सो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी बज चुके हैं 4:54, ट्रेन भी आ गई है और बाहर अभी सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो अभी बारिश रुक गई है और यह है पार्किंग लॉट, गाड़ी यहीं खड़ी है। यह है यहाँ का काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि कुमाऊँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। सामान रख दिया है, अभी काठगोदाम से बाहर आए हैं, चाय के लिए रुकी है गाड़ी और बारिश काफ़ी तेज हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे जागेश्वर। पहुँचे हैं भीमताल पे और ये दाजू भी हैं साथ में, जो कि दोनों गाड़ियां साथ में जागेश्वर जा रही हैं और मेंबर बढ़ गए थे तो दूसरी गाड़ी भी हायर करी। तो बारिश भी अभी लगातार हो रही है तो चलते हैं आराम आराम। अभी फिर से रास्ते में रुके हैं और नीचे गांव देखिए, हरे भरे खेत काफी अच्छे लग रहे हैं, तो व्यू दिखाता हूँ आपको। फाइनली अभी रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं तो सुबह से कुछ नहीं खाया तो कुछ खा लेते हैं। फाइनली नाश्ता हो गया है तो अब निकलते हैं। हर हर शंभु। तो अभी हम पहुंचे हैं डोर आश्रम, मैं और रोशन भाई हैं साथ में और शिव टेंपल है शक्तिपीठ, तो दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं और आप भी करिए दर्शन। आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी आदिशक्ति का पिरामिड दिखाते हैं। अच्छा, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ गाइस, अभी फाइनली टेंपल के दर्शन कर लिए हैं और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो अब चलेंगे जागेश्वर। और एक बात यह है कि यहाँ पे जो है आदि शक्ति का मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना है, एशिया का नंबर 1 मंदिर है, तो आप भी आइए देखिए और काफ़ी अच्छा टेम्पल है। तो चलते हैं जागेश्वर टेम्पल। शुरू हो गए मंदिरों की, यहाँ से शुरू हो गए। फाइनली गाइस, अभी पहुँच चुके हैं जागेश्वर TRC कुमाऊँ मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस में, और इसके बाद थोड़ा फ्रेश रेस होते हैं और फिर चलते हैं जागेश्वर टेंपल। हर हर महादेव। प्रसाद ले लिया है तो चलते हैं मंदिर।
अभी मैं और रोशन भाई पहुंच चुके हैं जागेश्वर टेम्पल और जूते उतार रहे हैं और उसके बाद जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर के दर्शन करते हैं और आप भी मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। चलो चलते हैं टेम्पल। फाइनली अभी दर्शन हो चुके हैं और अब करेंगे लंच क्योंकि 2 बज गया है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो चलते हैं लंच करने। सावन के महीने में पूरी मार्केट लगी है यहाँ पे। फाइनली गाइस लंच हो चुका है और अब हम जा रहे हैं होटल क्योंकि सुबह 5 बजे से लगातार चलने में तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। 3 बज गया है और इस सावन के महीने में महादेव आपके ऊपर कृपा बसाए। जय शंभू, जय भोलेनाथ। और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।